preparation of stretcher in स्काउट गाइडिंग कैंप। साथ है महेंद्र सिंह सैनी सर, जो कि स्काउट और गाइड कैंप का पूरा संचालन इनके नेतृत्व में। आज बच्चे स्काउट गाइड के विभिन्न आयामों को सीख रहे हैं, स्ट्रेचर बनाना और उससे जुड़ी विभिन्न विधाओं को। आइए हम जानते हैं उन गतिविधियों के बारे में जो सर आज उनके सिखा रहे हैं। आज हम यहाँ जो क्लास चल रही है प्राथमिक सहायता की, इसमें विभिन्न तरह की पट्टियाँ बांधना और पेशेंट को कैसे हम सुविधाजनक तरीके से डॉक्टर के पास तक ले जाएं, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्ट्रेचर बनाना, लिफ्टिंग करना, स्ट्रेचर ड्रिल, और डॉक्टर के पास जब हम लेके जाएं पेशेंट को, तो वो हमारे अंदर जो क्षमता है कि हम एक अच्छे फर्स्ट एडर कहलाएं, उस सारे गुणों को आज विकसित करने के लिए इस क्लास का आज संचालित की जा रही है, जिसमें हमारे स्काउटर और गाइडर भाई बहन फर्स्ट एड को विस्तार से जान रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। अभी नहीं, इस पे नहीं लेटना है अभी से। अरे पेशेंट क्या खुद कैसे लेट जाएगा इस पे? होगा आप सोचिए जरा। पैर तो ठीक है, हम माने पैर भी टूटे हुए हैं, अभी पड़े हैं, अभी रुक जाओ ना। मुझे मौका मिला था उत्तराखंड जाने का, वहाँ ही टेक्निक सिखाई। जनरली हमारे यहाँ या तो बताई नहीं जाती है या फिर मालूम नहीं होती लोगों को इसको, वो कौन है उस बांस के ऊपर आना चाहिए, इस वाले बांस के, ठीक है ना। मैं ये वाला पीछा भी खाई थोड़ा भाग और सीधा कीजिए, जो लपेटे आ रहे हैं चादर में प्लेन की पर रखना भी है सारी चीज़ें। अब ये यहाँ से आती है टेक्निक, दो तीन तोड़ देंगे, एक सर पकड़ में टांग पर उठा कर रखें, जो अगर बची थी हड्डियाँ वो हम तोड़ लें, क्योंकि वो प्रोसेस तरीका वो है। दूसरा है कि फर्स्ट एड में, फर्स्ट एड क्या सिखाता हूँ मैं, चार लोग इसको हैंडल करेंगे, पाँचवा इसको केवल ऑब्जर्व करता है कि कहीं कोई दिक्कत है उसे संभालने के लिए। अब चार लोग मुझे चाहिए, जो तीन लोग यहाँ आइए थे, आपने घुटने और रेडियो के नीचे, ठीक। अब ये काई यहाँ से उठाएंगे तो मुझे एक चौथी व्यक्ति को यहाँ से लगना है कि पलटना जाए इधर पे, क्लियर। जब मैं अब बोलूंगा आपको तभी उठाएंगे आप। हाँ, 1 2 3 अप उठाइए, आगे बढ़िए। कोई 80-90 किलो का होता ना तब जरा थोड़ा ऊपर लेंगे तो लगाने पर पीछे। देखिए अब लोग अगर मेरे ट्रेनिंग से अगर आपको अच्छे से आता है तो अभी मुझे उठा के ले जा पाएंगे। ऐसा दिन ना आए सर, मान के चले, सीख किस लिए रहे हम लोग। अरे हमारा उद्देश्य क्या है, मरीज के ऊपर कोई आराम से मक्खी ना बैठे, कोई खिलावा है, पेशेंट ऐसी स्थिति है कि हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं, वो स्थिति मान के चल रहे हैं हम। केवल उसका मुंह और नाक बाहर रहे, कम से कम उसके जो है कांटेक्ट हमारे वहाँ के वायुमंडल से हो उसका ज़्यादा। अब होता है इसको लेके जाना, स्टेशन जब लेके जाते हैं सर आगे होता है, पैर आगे होते हैं, बताइए कंफ्यूजन क्यों है? सर आगे होना चाहिए, पैर सीधा ही जाएगा। लेके चलेंगे हम, भाग रहे हैं लेके, उस समय तो नहीं है कि हम अभी तो यहाँ उस पर आराम से लेके जाएंगे, लेकिन जब ये वास्तु रियल स्थिति होगी उस समय हमें लेके भागना, टाइम बचाना हमने, उस समय हम आगे भागते हैं तो ऊपर का धड़ हमारा भारी होता है, पीछे वो खिसक सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सर हमेशा आगे रखेंगे, ठीक। अब आता है उठाने के लिए, चार लोग आएंगे, अपने अंदर के घुटने टेकेंगे, आप अंदर वाले, आप अंदर वाले, आप इधर आइए। कमर वाला दिक्कत है इसलिए मैं साथ साथ में, आप जब मुड़ते नहीं स्टेज का डंडा पकड़ रहे हैं ना, बाई चांस होता चादर लपेटने में हम लोग कंफ्यूज गलती कर गए तो चादर ना खुल जाए, ठीक है। अब देखिए पहले आप लोग समझ लीजिए, अब ये मैं ऐसे क्यों बैठा रहा हूँ उनको, जब हम जो हमारा मार्च पास होता है कि सबके बाएं पैर इधर एक साथ निकलते हैं, इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, अंदर के पैर आप आइए सर, मैं समझ रहा ठीक है। अब चलिए ऐसे आगे चलिए, इस स्थिति में हम चलेंगे, ये लेके भाग रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आराम से हमारी उठाएंगे भी तभी आप एक साथ आइए, उठाइए चलिए, अंदर के पैर एक साथ, अंदर के पैर एक साथ,
मिलाइए रॉन्ग रॉन्ग रोकिए 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 पहले अंदर के पैर बाहर निकालिए एक बार अंदर के पैर बाहर निकालिए अब चलिए आगे घूम के वहीं लाइए इतना करने के बाद जो आपका एक मेंबर था सुखने दीदी डॉक्टर हमारे यहाँ पेशेंट आ रहा है तो मैं आपको मैं डॉक्टर हूँ इसे मानिए डॉक्टर आपको आप उपस्थित ठीक है कहीं बोलिए सर ने आज बताया था ये तो आपको उस समय डॉक्टर बाकी शाबाशी देगा कि बहुत अच्छे से आप पेशेंट को लाए इस पूरे सेशन का उद्देश्य था कि डॉक्टर के पास जो पेशेंट है इससे आरामदायक स्थिति में नहीं जा सकता आप कैसे भी ले जाएं अभी बता रहा हूँ मैं स्थिति और भी होती है जब ये हम कब है पूरी टोली हमारे साथ है हम 6 या 7 लोग हैं तब ये स्थिति हो रही है मैं और मेरा मित्र हम 2 ट्रैकिंग में जा रहे थे या 3 या 4 लोग जा रहे थे उस समय ना स्ट्रेचर बन सकता है ना ये कंडीशन हो सकती है अभी एक स्थिति यहाँ पर और आएगी उठाइए दोबारा जरा चलना नहीं है केवल हम बता रहा हूँ उठाएंगे बस यहाँ सर आप अब देखिए ऐसे लेके चलेंगे अब हम पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं या उतरना है जब उतरना है तो आप अपने हाथ उठाएंगे और आप अपने हाथ डाउन करेंगे ताकि बॉडी ये शेप जो है हमारा पैरेलल है सीधा रहे ठीक आगे पीछे ना किसके और आप चढ़ रहे हैं जब तो आप अपने हाथ डाउन करेंगे आप अपने हाथ उठा लेंगे समझ रहे हैं चीज़ को ताकि ये प्रैक्टिकल हम लोगों ने जब मैंने अपने बच्चों के साथ किया था वहीं उस पर डिजास्टर हुआ था लालू आपका हट गई थी डाउन कर दी सर